नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें मात्र 3 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके। अब उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन में, अब इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज इट मीन्स दैट इफ वी गिव अप एंग्री वी विल नेवर सिंक इनटू सॉरो। यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम दुख के भागीदार कभी नहीं होंगे, इसका क्या अर्थ है? तो आंसर इसका हम क्या लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा इफ वी गिव अप एंग्री We will never sink into sorrow. It means being angry, we lost our reason and thus we cannot make difference between right and wrong. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्या होता कि यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, ठीक है, तो हम दुख के भागीदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्रोधित हो जाते हैं या फिर जब हमें गुस्सा आ जाता है तो फिर हम क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे तो क्या होगा, हम प्रसन्न रहेंगे अर्थात हम दुख के भागीदार नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, इस पाठ के अनुसार आर द क्वालिटीज व्हिच मैन मस्ट हैव, मनुष्य में कौन सी विशेषताएं या गुण होने चाहिए, ठीक है। तो इस लेसन के अनुसार या इस पाठ के अनुसार मनुष्य में कौन सी गुण या कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो इस लेसन के अनुसार चलिए हम देखते हैं कौन कौन से गुण कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लेसन ए मैन मस्ट हैव करेज, ए मैन मस्ट हैव करेज, करेज मीन्स साहस होना चाहिए, लर्निंग बुद्धि होनी चाहिए एंड गुड कंडक्ट और अच्छा आचरण होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लेसन ए मैन मस्ट हैव करेज लर्निंग एंड गुड कंडक्ट, ही मस्ट गिव अप बीइंग एंग्री एंड ग्रीडी विद द एसोसिएशन ऑफ ग्रेट मैन ए मैन गेट्स विजडम एंड नॉलेज, ठीक है। तो इस लेसन के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य में कौन कौन से साहस बुद्धि और उसका अच्छा आचरण होना चाहिए, वह गुस्सा और लालच को त्याग कर चुका हो जिसके कारण वह एक महान बुद्धि और महान सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति कब खुश और धनी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए मैन बिकम हैप्पी ड्यू टू हिज ओन गुड कंडक्ट, एक मनुष्य खुश अपने अच्छे आचरण के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अर्थात एक मनुष्य अपने अच्छे आचरण के द्वारा खुश हो सकता है एंड और If he gives up being greedy, और यदि वह लालची होना छोड़ दे, he become rich and wealthy, तो वह क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, ठीक है। Next question और last question है हमारा कि why is mind swifter than the wind, कि जो मस्तिष्क होता है या जो मनुष्य होता है या जो दिमाग होता है वह हवा से तेज होता है, क्यों? तो because ऐसे भी ले सकते हैं, द माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड बिकॉज इट रीच एवरीवेयर इन फ्यू टाइम,
क्योंकि यह क्या होता है, कुछ ही समय में या कुछ ही क्षण में प्रत्येक जगह पहुंच जाता है। अब जैसे हम यहां पर बैठे हैं, अगर हम सोचने लगे कि मैं लखनऊ में हूं तो हम लखनऊ पहुंच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो मस्तिष्क होता है या जो दिमाग होता है वो हवा से भी तेज होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।